तो फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ठीक है तो पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द पार्लियामेंट टू री द स्टेट ऑफ जे एंड के ठीक है तो विच आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो अथोराइज करता है आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल थ्री आर्टिकल, आर्टिकल फोर तो राइट ऑप्शन आर्टिकल थ्री विच शेड्यूल ऑफ द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन डील्स विद ओथ एंड अफर्मेशन तो कौन सा शेड्यूल जो था जो डील कर रहा था ओथर एफर्मेशन से फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी फोर्थ शेड्यूल ओके हाउ मेनी सेंटर लॉ आर नाउ एप्लीकेबल टू द यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितने सेंट्रल लॉ जो एप्लीकेबल है यू टी जम्मू एंड कश्मीर के लिए वन फोर्टी फाइव वन हंड्रेड सिक्स वन हंड्रेड सेवेंटी एट नाइन्टी नाइन तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी वन हंड्रेड सिक्स हो मंग दॉलोइंगज द पावर टू अपॉइंट लेफ्टेंट गवर्नर तो लेफ्टिट गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तो ये पावर जो है वो ऑप्शन बी प्रेजिडेंट के पास है ओके विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यू टी एंड जम्मू एंड कश्मीर तो कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यू टी जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन दो तीन चार पाँच तो राइट ऑप्शन इज सेक्शन फोर ओके विच पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन डील्स विद द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो ये पार्ट फाइव जो है ये डील करता है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ठीक है हु एडमिनिस्टर द यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट तो फ्रेंड्स इसका राइट right ऑप्शन है ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन पासड बाय राज्यसभा तो कौन से डेट के जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन पास किया गया था राज्यसभा में फाइव अगस्त 2019 थाउजेंड नाइनटीन सिक्सथ अगस्त थर्टीन अगस्त या थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए फाइव अगस्त 2019 थाउजेंड हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर तो कितनी सीट्स जो, तो जो है वैकेंट है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है ट्वेंटी फोर सीट्स ये राइट ऑप्शन है ठीक है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जी एंड के रीऑर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन तो कितने सेक्शन है इसके वन हंड्रेड थ्री वन हंड्रेड सिक्स वन हंड्रेड सेड एट तो राइट ऑप्शन ओके विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट डील्स विद रिजर्व पोस्ट ओनली फॉर डोमिसाइल्स। कौन सा बी इज राइट ऑप्शन सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू यूटी जम्मू कश्मीर अंडर विच शेड्यूल तो कौन सा शेड्यूल शेड्यूल ए शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री शेड्यूल फाइव तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स शेड्यूल फाइव ओके ऑन विच डेट जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन केम इंटू फोर्स फाइव अगस्त थर्टी अक्टूबर थर्टी वन अक्टूबर नाइन सितंबर तो फ्रेंड्स थर्टी वन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन को जो जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो था वो पास हो चुका था ठीक है हाउ मेनी सीट आर लोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोकसभा तो लोकसभा में जो सीट्स एलोकेट की गई हैं जम्मू जु, एंड कश्मीर ड्यूटी को तो वो है फाइव ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन द जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैज़ पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं थर्टीन फोर्टीन टवेल्व टेन तो राइट ऑप्शन इज़ बी फोर्टीन पार्ट्स ओके एज पर जे एंड के रिआर्गनाइजेशन एक्ट जे एंड के हाई कोर्ट विल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर जे एंड जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कश्मीर लद्दाख जम्मू एंड लद्दाख तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी जम्मू एंड कश्मीर और, और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है ओके हु द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्री पंकज मित्तल संजयदार गीता मित्तल रजनीश ओसवाल तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड सी गीता मित्तल ओके हु अपॉइंटेड द एडवोकेट जनरल ऑफ यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर प्रेजिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ यू टी तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी लेफ्टिनेंट गवर्नर ओके फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ़ यू टी जम्मू एंड कश्मीर वाज डी सी रंजीत सिंह जम्वाल हुनर गुप्ता सुमित भाटिया तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए डी सी सीएम सी एम शैल बी अपॉइंटेड बाई एल जी अंडर सेक्शन सी एम जो है उसको अपॉइंट किया जाता है एल जी के द्वारा कौन सेक्शन के अंडर ट्वेंटी फोर थर्टी फोर फिफ्टी फोर या फोर्टी फाइव तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है फिफ्टी फोर इज राइट ऑप्शन ओके मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस अंडर जो मैटर जो हैं वो रिलेटेड जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर है वो डिस्कस किए जाते हैं पार्ट सिक्स पार्ट फाइव पार्ट फोर या ऑल ऑफ द अबव लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो पार्ट सिक्स है ओके फ्रेंड्स ये था हमारा जे एंड के री एक्ट आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद